ते हैं आगे देश में आरटीआई का कानून लागू कराने में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है और इसकी शुरुआत राज्य के ब्यावर से मानी जाती है। जब 1996 में 44 दिन के धरने के बाद ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2005 में आरटीआई एक्ट लागू किया गया, लेकिन इसके साथ ही आरटीआई कार्यकर्ताओं के दमन का चक्र भी शुरू हो गया। और बीकानेर के आरटीआई कार्यकर्ता गोवर्धन सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्हें आरटीआई कार्यकर्ता होने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में अपनी साख जमा चुके गोवर्धन सिंह कभी न्याय के लिए इन्हीं अदालतों के चक्कर काटते रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता गोवर्धन सिंह ने 2006 से 2010 तक आरटीआई के जरिए राज्य में कई बड़े मामलों का खुलासा करने में कामयाब रहे। कभी प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे गोवर्धन सिंह के इस अभियान से कई भ्रष्टाचारियों को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों का आपस में ऐसा गठजोड़ बना कि उन्हें 2 महीने में ही लुटेरा, डकैत से लेकर पाकिस्तानी जासूस तक घोषित कर दिया। बीकानेर में 2 माह में 7 थानों में कुल 13 मामले दर्ज कर लिए गए। पिछले कई वर्षों से मानवाधिकार और आरटीआई पर मैंने खूब सारा काम किया है। आरटीआई पर काम करने के कारण से बड़े बड़े अफसरों पर और कई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई, मुकदमे दर्ज हुए, जमीनें चली गई लोगों के, जेल भी जाना पड़ा लोगों को। इस कारण से वर्ष 2010 में बहुत सारे भ्रष्टाचारियों ने एक गिरोह बना करके और मेरे खिलाफ कई सारे मुकदमे मात्र 1 महीने में ही दर्ज किए। मेरी हिस्ट्री शीट फाइल खोल दी गई, 2000 रुपये का इनाम घोषित करके राजस्थान के हर पुलिस थाने में फोटो लगा दिया गया। बाद में हाईकोर्ट द्वारा जब सुपरविजन किया गया तो सभी मामलों को झूठा मानते हुए उनमें एफआईआर पेश कर दी गई। मामला यहीं तक नहीं रुका। गोवर्धन सिंह के बैंक खातों से लेकर उनका मकान और ऑफिस तक सील कर दिया गया। पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोलकर 2000 का इनाम भी घोषित करते हुए राज्य के बड़े अपराधियों में उन्हें शामिल कर दिया। बाद में राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में गोवर्धन सिंह के फोटो भी चस्पा कर दिए गए। पुलिस की कारस्तानी का एक रुआब ये भी रहा कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से नकली नोट छापने के आरोप लगाए गए। इस मामलों के संघर्ष के लिए गोवर्धन सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में ही 17 याचिकाएं दायर की। गोवर्धन सिंह की पत्नी ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में खड़े होकर खुद पैरवी की। बाद में उनके खिलाफ दर्ज सभी 13 मामलों में नेगेटिव एफआईआर दायर की गई। हाई कोर्ट में कई बार यह भी कहा गया कि इसको परिवार सहित सुरक्षा दी जाए। राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय ने मुझे एक गनमैन भी उपलब्ध कराया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कई बार अपने ऑब्जर्वेशन में कि मेरे साथ जो एट्रोसिटी हुई, जो हरासमेंट हुआ, उसकी जांच कम से कम सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी से कराया जाना चाहिए। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को, जिसमें सीआईडी सीबी के आईजी स्तर के कम से कम अधिकारी से पूरे मामले की जांच करने के आदेश किए हैं। साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग को इस पूरे मामले के आदेशों की कॉपी भेजते हुए सुपरविजन करने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के संघर्ष में राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 बार सुरक्षा को लेकर आदेश दिए, लेकिन इन आदेशों के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। ऐसे में गोवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया। आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए मामले की जांच सीआईडी सीबी के आईजी से कराने के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी जवाब मांगा है। राज्य मानवाधिकार आयोग को इस मामले की मॉनिटरिंग करने के भी आदेश दिए गए हैं। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।